This video is sponsored by V-Card. कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीत ली थी, इस बार भी इस सीट पर तगड़ी टक्कर है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बिल्कुल किसान आम लोग बैठे हुए चाय की दुकान पर। मैंने सोचा कुछ बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार दुबे। नरेंद्र कुमार दुबे। आप क्या करते हैं? किसान। किसानों में इस बार चुनाव को लेकर इसकी चर्चा क्या चल रही है? अब किसानों की तो कशु ने कहो वह तो गता ही है। चाहे छुरी पे डंगरा पटको, चाहे डंगरा पे छुरी पटको, कटने डंगरा ही है। नहीं तो किसान का यही हाल है किसान का। रियली लाइक इट यार। स्टेबिलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबिलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, India's number one स्टेबलाइजर। तो एक बात बताइए, पहले की तुलना में किसानों के कमाई बढ़ी है कि लागत बढ़ी है? किसान की कमाई बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी और लागत भी बढ़ी। ये दो ही चीजें हैं जिनके पास में, यानी लागत है तो बाकी पास में निकलत है, और जिनके पास में लागत नहीं बाकी पास में नहीं निकले। इसलिए किसान के लिए बिजली भी अच्छी मिल रही है और किसानी भी अच्छी चल रही है टाइम टाइम पे। यानी तब क्या कह रहे हो कि चाकू कोड़े पर रखो या कटने किसान ही है, नहीं कटे किसान। अगर आमदनी ठीक हो रही है, आमदनी ठीक रही तो ठीक है। तो इस बार के चुनाव को लेके क्या चर्चा है? अब इस बार के चुनाव की तो हम कछु नहीं कह सके इस समय पे। नहीं, ये सरकार बदलाव के ज्यादा चर्चा है या यही आवे के चर्चा है? बस दो ही प्रकार की चल रही है। तो ये दो नहीं, एक ज्यादा क्या चल रही है? एक ज्यादा अब यही चल रही है बीजेपी की, बदलाव की नहीं है। इसकी वजह क्या है? किसान असली में संतुष्ट रहे थे बीजेपी से। और ये प्रहलाद पटेल के? प्रहलाद पटेल की भी अच्छी है कि प्रहलाद पटेल भी अच्छे हैं बीजेपी? प्रहलाद पटेल के लड़ाने से और सीटों पर फर्क पड़ा है? हाँ पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा। हाँ जी, आप बताओ कुछ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है। पंडित जी लोग इधर ज्यादा हैं क्या? नहीं, हम लोग तो करेली गए थे, लौट रहे थे तो यहाँ चाय पीने के लिए बैठ रहे। कहाँ गए थे? करेली गए थे। क्या कोई गाड़ी चलाते है? छोटा हाथी। कोई काम था? नहीं, काम कछु नहीं। अब योगी जी भी आ रहे थे तो हमने सोची संत के दर्शन करने तो चले। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की रैली जो थी? जी हाँ। तो हम नेतागिरी के हिसाब से नहीं गए, हम तो संत के हिसाब से दर्शन करने गए थे। पंडित आदमी, हमने कहीं संत के दर्शन करने चलो, अपन नेतागिरी में तो अपन पढ़ते नहीं हैं। तो सरकार के बारे में कुछ ख्याल है किसकी? अपने बारे में कुछ ख्याल नहीं है, अब वो सब जनता के ऊपर है। कुछ बदलाव की लहर है या बीजेपी की लहर है? आप अभी कुछ नहीं कह सकते। लड़ाई तगड़ी है? तगड़ी, टक्कर तो खैर तगड़ी है। अच्छा, अभी ये पता नहीं चल पा रहा जीतेगा? बिल्कुल कुछ नहीं बता सकता, कोई आदमी नहीं बता सकता। चलिए, कुछ और लोग आ गए यहाँ। हाँ जी बताइए, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल ये लग रहा है, हम तो देवरी सागर के हैं। जहाँ के भी हैं वहाँ के, आपको MP में क्या लग रहा है क्या होगा? MP में हमारे लिए तो ये लग रहा है कि हमारी ये तो कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस का। किस वजह से? जे क्या है कि बदलाव चाह रही जनता, अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा कर रहा है, सब कर रहे, मगर बदलाव चाह रही, बहुत हो गया उनका, इसलिए क्योंकि जनता के लिए बदलाव चाह रहे हैं, पन्ना का पलट करना। ये जो समय ज़्यादा हो गया बस यही कारण है? जी, इसी कारण से ही। और फिर जनता के लिए कोई सुविधाएं भी हैं और सब कुछ ही है, लेकिन बदलाव चाह रही जनता कि इनके लिए बहुत बैठा दिया है, कांग्रेस का करते हैं। और आप बताओ भाई, आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि BJP आए। और किस लिए आए? इसलिए आए कि जो सुविधा मिल रही है वो कोई सरकार ने नहीं दी।
क्या सुविधा मिली? जैसे यानी जन्म से लेकर मरण तक की सुविधा है, इतनी योजनाएं खोली बीजेपी ने। बोलो योजना। योजना मान लो लाडली बहना हो गई। लाडली बहना तो अभी 5 महीना अभी हुई है चालू। मान लो लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, और जो मान लो अपने मृत्यु होती है मान लो 60 साल से पहले, उसमें भी 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। और मान लो जो किसान मान लो सब मिल रहा है योजना, तो किसानों के बीच में क्या चर्चा है? अब किसान तो मान लो सक्षम में ऐसे मान लो कि बिना सब मिल रहा है किसानों के लिए। ये नहीं कह रहे किसानों में भी चर्चा है कि बीजेपी आएगी कि बदलाव की चर्चा आएगी। किसानों की भी चर्चा है। आपका नाम क्या है? इंदर ठाकुर। तो तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ, और ये तीसरी विधानसभा नरसिंहपुर की जिसमें मैं आज माहौल क्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ। शाम का वक्त है, लोग चाय पीने के लिए किसानी कुछ दुकान पर है, तो मैंने सोचा आप किसानी है ना? किसान। किसान किस पार्टी में? कांग्रेस। चौक का गए आप? मैं तो सोचा कि किसान है किसी पा, आप कहेंगे मैं किसी में नहीं हूँ लेकिन कांग्रेस में। नहीं आप किसी में रहे। बहरहाल मैं पहले से तय करके कुछ बात नहीं करता। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना गांव में बहुत काम कर रही है, कर रही है? 1500 दे कांग्रेस जीतने के बाद, 1200 में कवर हो जाए, तो अब 2-3 महीने दे रहे हैं, बंद कर दें योजना। तो कांग्रेस ये बात कह रही है 1500 देंगे, लेकिन जनता को तो लग रहा है कि मामा ने तो 5 महीना दे के दिया। मामा तो गाओ। कैसे गाओ? मामा नहीं है, मामा निकल गो। मामा अगर मुख्यमंत्री बनते तो घोषणा ना कर दे पार्टी की। कमलनाथ की होगी अब तो आ? कमलनाथ आ रहा हो। कमलनाथ की होगी घोषणा, कमलनाथ बनेगी मुख्यमंत्री। अरे आप तो कांग्रेस पार्टी के सब अभी हो? हाँ कांग्रेस पार्टी के सब। रैली से आ रहे हो क्या? हाँ रैली से आ रहे हैं। नहीं घूम रहे सब लोग, रैली से नहीं चाय पी रहे बैठे हैं। एक बात बताओ, एक बात लोग कह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल को जो बीजेपी ने यहाँ नरसिंहपुर से उतारा है, उसका फायदा बीजेपी को दूसरी सीटों पे भी मिल सकता है? दूसरों पे नहीं मिलेगा, नरसिंहपुर विधानसभा में अकेला मिलेगा। वो तो उनके पास थी ही? नहीं थी नहीं, बिना थोड़ा सा क्या अनुभव देखो हुए है कि भैया जालम सिंह लड़ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाए। मैं हिसाब से बने बड़े भैया के, यार बड़े भैया आप लड़ो, पार्टी ने बिना कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आप कांग्रेस का कह रहे हो, जो कांग्रेस की वो गोटे गांव सीट है उसमें तो शेखर चौधरी बगावत कर गए, वहाँ क्या होगा? देखो पार्टी ने शेखर चौधरी के साथ गलत किया, पहले प्रत्याशी को टिकट दिया फिर काट दिया, काट दिया फिर तो विरोध करेगा भाई, उसके बैनर पोस्टर सब छप गए थे भाई। जैसे आपकी घोषणा कर देगा भैया आप न्यूज चैनल के मेन और प्रेरणा बना दें, बुराई ना मानो आप। न्यूज चैनल में तो ये 2 मिनट में हो जा, राजनीति में या चैनल में सब तो ऐसी राजनीति में होगा। शेखर चौधरी की टिकट काट के एनपीजी को दे दी, तो वहाँ क्या? वैसे तो उस सीट का एक रिकॉर्ड ये भी है कि विधायक दोहराया नहीं जाता। नहीं नहीं हाँ ऐसा भी है, मन क्या है कि अगर शेखर चौधरी देते तो शेखर चौधरी दोबारा सीट कांग्रेस जीतती वह। लेकिन मैं ये कह हाँ वो आदमी नहीं जीतता, हाँ। पार्टी भले जीत जाती। तो एक बात बताइए, शेखर चौधरी के बगावती होने की वजह से कांग्रेस को वहाँ नुकसान है कि नहीं? नुकसान तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, 10-20%। वहाँ मजबूत शेखर चौधरी हैं या एनपी प्रजापति? शेखर चौधरी मजबूत। और दादा आप बताओ। हम तो भैया कांग्रेसी आदमी है जी, हमरो संजीव भैया काम है। संजू शर्मा जी कह रहे हैं इस बार तो फंस गए संजू शर्मा? नहीं तो एक नंबर से आएंगे। हाँ कभी नहीं हारे ना हार सके। चलो ठीक है, आप लोगों ने बात की इसका बहुत शुक्रिया। अब आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हम तो बिलहरा के हैं, मनोज बेटे संजू भैया के अलावा कोई कच नहीं है न लाड़ली बहना को फर्क, फिर लाड़ली भाइयों को कहू के यार वे तो साथ में है। चलिए आज माहौल क्या है मैं बस इतना ही, अगले एपिसोड में मैं सागर से मिलूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 नरसिंहपुर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड।